हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ हमारे YouTube चैनल अबाउट गद्दी लाइफ में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड, और ये है बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि पहाड़ों में होती है, और इसकी बहुत ही टेस्ट जो है सब्ज़ी बनती है। हम बोलते हैं उसको कसरोड, और कई बोलते हैं लूंगड़, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिडल हेड। तो दिखाते हैं आपको किस तरह का ये होता है। और अभी लाए हैं भाभी जी बहुत दूर से, क्योंकि नज़दीक में नाले के आसपास होती है ये। अभी इधर हमारे पास इधर नज़दीक में थी नहीं, तो ये गए थे बहुत दूर लाने। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये होती है, और किस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाते हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको, किस तरह से इसकी डिश तैयार की जाती है। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो उसका उपजाऊ, जो उसकी पैदावार होती है किस तरह की होती है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आप भी फिडल हेड का यूज़ करते हैं, या लूंगड़ या कसरोड, मतलब इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, जब पहाड़ों में आपको इस तरह की सब्ज़ी जो मिलती है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अगर बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसको जो इसका जो थोड़ा मतलब जो ज़्यादा हार्ड ना हो, ये सॉफ्ट सा हो, उसको तोड़ना है। और फिर इसको जो है ये जो बाल से इसमें लगे होते हैं, इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ करना है। फिर इसको साफ़ करके, जैसे अभी भाभी जी साफ़ करके इधर रख रहे हैं, ये इन्होंने साफ़ करके रखा हुआ है, और साथ में जो है इधर जो बाकी जो साफ़ करने वाला मटेरियल है वो इस साइड रखा हुआ है। ये भारी मात्रा में इसलिए भाभी जी लाए हैं क्योंकि ये सीज़न होता है, अभी अभी पैदा होती है, और ये इसको काट के चीर के जो है बर्फ़ वाले दिनों में के लिए रखा जाता है, ताकि जब सब्ज़ी की दिक्कत हो जाती है उन दिनों में, तो सुखाया हुआ जो मटेरियल होता है उसको उबाल के फिर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसको तड़का वगैरह लगा के जो है फिर जो उसको खाने लायक बना लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी इस जो सब्ज़ी तैयार होती है, पहले इसको रिमूव किया जाता है, जितना भी ये बाल से इसमें दिख रहे हैं इसको हटाया जाता है। तो उसके बाद जो इसको अलग करके रखा जाता है, फिर इसको चीर के काट के फिर आप सुखा भी सकते हैं, सुखा के रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो तो आप सुखा के, जैसे भाभी जी देखो कितना सारा मात्रा में इसको लाया है, और इसको सुखा के काट के सुखा के रख लेंगे, और हम चाहते हैं तो ताज़ा ताज़ा इसको खाएंगे भी, हरा हरा भरा भी खा, हरी भरी सब्ज़ी खानी भी चाहिए, पहाड़ों में और भी सब्ज़ियाँ होती हैं। फिलहाल इसको बोलते हैं फिडल हेड लूंगड़ कसरोड। तो ये जो साफ़ करके रख रहे हैं, शाम को हम इसकी सब्ज़ी भी बनाएंगे थोड़ी सी, और इसको चपाती के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जब सुखा के आप बनाते हैं, सुखाने के बाद जब ब्लैक सा इसका कलर हो जाता है, जब उसको उसका पहले उबाला जाता है, फिर उसको निचोड़ के ताकि उसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाए, पानी उसका निकाल दिया जाता है, और फिर जो है उसको तड़का लगा के फिर खाया जाता है। इसका गर्म भी बहुत होती है, जो कई लोगों को गर्म सब्ज़ी सूट नहीं करती है तो वो ज़रा परहेज कर सकते हैं, लेकिन हरी सब्ज़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हैं क्या और अच्छा। तो फिलहाल दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको भाभी जी रिमूव कर रहे हैं, तो दिखाते हैं कैसे हटाते हैं इसको बालों को, और कैसे क्या करते हैं।
रख दिया जाएगा इसको साइड, ये रख देना है। देखते हैं किस तरह से इसको क्लीन कर दिया है बिल्कुल। पहले आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है इसमें, ये बिना साफ किया हुआ है और ये जो है वो साफ किया है भाभी ने, तो ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। इसको फिर आप इसको जो है निकाल दिया है इसका कचरा वगैरह, और फिर इसको ये तमाम सारी चीज़ें करने के बाद, इसको चीरने के बाद इसको धोना भी है, तो धो के इसको आप तड़का सीधे तड़का मार सकते हैं, जो भी मटेरियल आप डालना चाहते हैं उसमें सब्जी में वो डाल के सीधा आप इसको खा सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी लगता है इसको क्योंकि कचला है अभी, जो मटेरियल है अभी ताज़ा ताज़ा है तो इसमें दिक्कत नहीं रही ज़्यादा। जब सुखा के इसको बनाया जाता था थोड़ा टाइम लग जाता है उबालने में, गर्म पानी में उसको उबालना है। तो ये है फिडल हेड लुंगड़ कसरोड़। अरे take me back to a place where खाने वाक करा ना बाकी के बाकी ने पाने करना था मैं बाकी नहीं बाकी ने तो गाइस पहाड़ों तो मैं वैसे तो बहुत सारी सब्जियां होती है, एक अलग एक बूटी होती है बिच्छू बूटी, आप जानती होंगे जो पहाड़ों में रहते हैं उसकी भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। लेकिन अभी मैंने जो दिखाया वो था लुंगड़ यानी कसरोड़, गद्दी भाषा में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फिडल हेड, आप सर्च कर सकते हैं। और इसको जो है आप सुखा के रख सकते हैं, सुखाने के बाद मतलब जैसे आपने उसको ताज़ा ताज़ा जब लाते हैं उसको, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली उसको चीर दें या बिना चीरे उसको अगर सुखा देते हैं, तो सुखाने के बाद उसको जो है फिर जो है उसको कूट लिया जाता है, जैसे कि किसी चीज़ में कुंड होता है हमारे पहाड़ों में, उसको जो है मैंने खुंड और मोड़ वाली वीडियो एक बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उसको मटेरियल को कूटा जाता है पहाड़ों में, उसमें कूट के फिर जो है उसकी सब्जी जो है तैयार कर ली जाती है। जब सब्जी का जो सीज़न आउट हो जाता है पहाड़ों में, जब बर्फ़ गिर जाती है तो उन दिनों में सब्जी हरी सब्जियां नहीं मिलती खाने को, तो इन सब चीज़ों को सुखा के जब हम रखते हैं तो उसको हम बाद में जो है यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, बना सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत एक्टिविटीज़ जो सब्जियां पहाड़ों में होती हैं। एक और चीज़ दो चार और सब्जियां जो है पहाड़ों में खेतों के इर्द गिर्द ही मिल जाती हैं, उनकी भी मैं अभी कभी आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। फ़िलहाल एंड करते हैं इस वीडियो के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी से कर लें, ताकि ऐसी ऐसी नई नई अपडेट में आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।